हेलो। हाँ हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मानी विकास भारती नरेंद्र सुमन प्रिया। ठीक है, गुड मॉर्निंग संदीप सौम्या। चलो अंदर हेल्थ। चलो जो लोग ज्वाइन है, गुड मॉर्निंग। मुझे बताओ आवाज आ रही है? अभी वॉइस का कंफर्मेशन करो। वॉइस का कंफर्मेशन करें जल्दी से। वेलकम, थैंक यू हिमानी। कल क्लास रात में मैं प्रिपेयर करके सोया उसके बाद, और इट हैपन्स, हो जाता है। अलार्म ही नहीं सुनाई दिया मुझे तो सुबह। फिर पिताजी आए, शायद सोनू को फोन गया होगा, सोनू ने पापा को किया होगा, पापा ने उठाया। पता नहीं अलार्म क्यों नहीं सुनाई दिया। चलो हम तुरंत स्टार्ट करेंगे, कोई नहीं, अपने आराम से हो जाएगी। आज की जो मैंने डिसाइड कर रखी है, पर ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा। देखो इसमें अपना ये जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट एमसीक्यू अपन कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है, फाइन वगैरह लगा लेंगे, कोई नहीं। अरे नींद थोड़े से लग रहे हैं, बट उतनी कोई बात नहीं है, हो जाएगा। अभी अभी उठाओ ना, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट एमसीक्यू एक बार थोड़ा सा बस इंट्रो कर लेते हैं। एनवायरनमेंट एमसीक्यू जो अपनी एस निरंजन सर की बुक है, उसके अपन क्लास अपनी रहेगी 5:30 बजे चलेगी, और दिन की 3 क्लासेस हैं आपकी, और 1:30 पे दूसरी रहेगी, 8:30 पे आपकी इवनिंग वाली रहेगी। ठीक है, इसमें हम एनवायरनमेंट के एमसीक्यू वन बाय वन देखेंगे, और 2020 का भी पेपर इसमें इंक्लूडेड है, और आज का जो आपका टारगेट है वो 2020 वाला ही है। थर्ड एडिशन, कुछ लोग कंफ्यूजन थे कि सर थर्ड और इसके साथ करना है, तो थर्ड में बस इतना ही है कि 2021 का पेपर भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी जिन जिन लोगों ने मंगवा लिया है वो अपना उसमें देख के मुझे बता देना, कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो तो वी विल डू। ठीक है, ज़्यादा कुछ उसने रिक्वायरमेंट होने वाली है नहीं। ओके, अब देखिए अबाउट द ऑथर, और इसमें अपन कौन कौन सी यूनिट देखेंगे। नंबर वन, इसका फायदा क्या है कि यूनिट वाइज इन्होंने एमसीक्यू बना के दे रखे हैं। जैसे हमारा पॉलिटी बाय एमसीक्यू लक्ष्मीकांत था, सेम उसी तरीके से ये चलेगा। जैसे चैप्टर वन, ठीक है, एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी, फूड चेन, बायोटिक इंटरेक्शन, बायोजियोकेमिकल, ओके, एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। उससे पहले देखिए क्वेश्चन फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन थ्रू एक्सप्लेनेशंस, ये सब इन्होंने बता रखे हैं। करंट इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, यहाँ पे इन्होंने 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें हो सकता है कुछ एक दो क्वेश्चंस और ऐड कर रखे हों, तो ये चलेगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं, जैसे ये हो गया। ओके, अब देखो इसमें नंबर वन बायोम्स हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी, यानी पूरा का पूरा चैप्टर भी इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे स्पीशीज ऑफ इम्पोर्टेंस में अपन कौन सी थ्रेटनड है कौन सी नहीं है, वो अपन ने एक बार तो किया था, बाकी अपन देख लेंगे फिर इसमें। ठीक है, फिर आगे क्या है अपना, जैसे सारे के सारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बायो जियोग्राफी, बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरिया, कंजर्वेशन एफर्ट, ये अपन ने सारा का सारा जियोग्राफी मैप में ऑलरेडी कर ही लिया है। ठीक है, बट यूपीएससी में क्या है, थोड़े से डिटेल में सवाल आते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा इसमें जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से देखेंगे। फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारे के सारे, एयर, सोयल, ई वेस्ट, बायो रेमेडिएशन, इंस्टीट्यूट्स, ओके, क्लाइमेट चेंज कंसेप्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन, ओशन एसिडिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन। इसका फायदा यही है, अब देखो ओशन एसिडिफिकेशन के सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, कल सुमन का एक मैसेज भी आया हुआ था कि सर पुराने वाले क्वेश्चन देख नहीं पा रहे हैं, ये मतलब देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा। देखो ऐसा कई बार हो जाता है, अभी लास्ट 2 ईयर्स में थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन पैटर्न बदला है। ठीक है, तो हमने भी एक दो सोर्सेज नए ऐड कर दिए हैं, जैसे मान लो एनवायरनमेंट का अपन ने ये ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये मान लेते हैं कि जैसे इकोनॉमी में हमने वो ऐड किए हैं। ठीक है, उससे भी अपना काफ़ी हो जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही करनी हो, अपना जितना काम चल जाए उतना। ठीक है, कट ऑफ उतनी ऊपर नीचे चली जाती है, तो अपने को ज़्यादा वो नहीं करना। ठीक है, बेसिक चीज़ों पर फोकस करना है, दैट्स इट। क्योंकि मान लो आपके बैच में से ही 3 स्टूडेंट थे जो हुए थे, तो वो कैसे हुए थे?
बेसिक को करो, अच्छे से करो, जरूरी नहीं है कि 100 का 100 ही आपको करना हो, ठीक है। अशु गुलिया गुड मॉर्निंग, अनु ठीक है, अनु आज तो नींद में चले गए। देखो कन्वेंशन प्रोटोकॉल, इंडियन एफर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे चैप्टर जो हमारे रहेंगे, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी लगभग लगभग सारे चीज अपने को यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब खोल लीजिए ये वाला पेज। आज का हमारा टारगेट क्या है? आज का हमारा टारगेट है 2020 के जो क्वेश्चन है वो, और उनकी एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे, ठीक है। आगे आने वाले कल परसों से अपन क्वेश्चन करते चलेंगे, एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, आप अपने उसमें देख लोगे उसको, ठीक है। आगे से क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, एक्सप्लेनेशन लास्ट में दी हुई है, इसमें क्या है कि साथ साथ दी हुई है, तो उसको अपन साथ साथ देख लेंगे, थोड़ा सा एक बार हम इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे, और आगे आने वाले में अपन बाद में देख लेंगे। अब इसमें मेरे पास जो है, जैसे हमने जो पीडीएफ बनाई है लगभग 850 पेजेस हैं इसके, तो टारगेट के हिसाब से हो सकता है कि 12 से 13 दिन भी लग जाए, बट लेट अस सी, ठीक है। 10 का टारगेट रखते हैं और देखते हैं कि कितने दिन में ये हो पाता है, क्योंकि ये मोटे मोटे हैं, ये किंडल एडिशन है, ओके। और किंडल एडिशन थर्ड में अवेलेबल भी नहीं था इसीलिए। अनितीश हेलो, हेलो, देखो नंबर वन बताओ, पैटर्न सेम रहेगा, आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको आंसर करना है, ओके। तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे, क्वेश्चन द फॉलोइंग आर द रीजंस फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन, ठीक है। तो नंबर वन देखिए, हाँ, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, या फिर यूजिंग वैनिश्ड वुडन फर्नीचर जो खराब हो गया वो, तो ये अपने को बताना है। यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयुथायरिन, वुड के निकलने से, स्मोक के निकलने से, एग्जॉस्ट के निकलने से, ठीक है। तो इसका अपन देखते हैं, देखो ये आज मैं इसी के हिसाब से चलता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो इसमें क्या दे रखा है, आंसर वैसे डी, ठीक है। अब हम समझते हैं कैसे हुआ, क्या है कि जो पैटर्न चेंज हुआ है, आ कह रहा है कि यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके, जिनमें हम इस टाइप के क्वेश्चन में डी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे कहीं कहीं आंसर डी नहीं आ रहा, ही नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर क्या रहेगा, ठीक है। तो अभी अपन देखो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला थोड़ा मोटा सा कि बेंजीन एक कलरलेस है, वोलेटाइल है, हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड है विद डिस्टिंक्टिव स्मेल, ठीक है। ओनली स्लाइटली सोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। अब देखिए बेंजीन जो है यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, इन्होंने एप्लीकेशन आपको बताई है, इसका फायदा ये होगा फास्ट रिविजन करना है सिर्फ बोल्ड में जो है एटलीस्ट वो, बाकी तो आपने वहां से कर ही रखा है, मान लो हमने शंकर से पढ़ रखा है या इधर उधर से, ये हमारा सप्लीमेंट्री सोर्स हो जाएगा, आप इससे बाहर तो क्या ही करोगे, ठीक है। मोर देन सफिशियंट मेरे हिसाब से काफी रहेगा, ठीक है। रेनो गुड मॉर्निंग, चलिए चाय आ गई है उषा, थैंक यू। चलो देखो अब इसमें ये डाइज, डिटर्जेंट, कोटिंग, प्लास्टिक, फाइब्रिक, पेस्टिसाइड, एडेसिव, लुब्रिकेंट, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स, रबड़, पेट्रोलियम, तो ये एप्लीकेशन आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि देखिए व्हीकल एग्जॉस्ट में आता है, तो नंबर वन आपका हो गया है। अदर कंबशन प्रोसेसेस में भी निकलता है इंडस्ट्री के जैसे, और फिर नेचुरली देखो वोल्केनो में निकलता है, फॉरेस्ट फायर में निकलता है, ठीक है। लो टू मॉडरेट टॉक्सिसिटी फॉर एक्वेटिक, जैसे मेजर ऑयल स्पिल हो जाए, बेंजीन जो है वो दूसरे केमिकल्स के साथ एयर में रैपिडली रिएक्ट करता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है, ठीक है। बेंजीन डू नॉट एक्युमुलेट इन एनिमल एंड प्लांट्स। फिर देखिए एक्टिंग एज ए वीओसी कैन, ठीक है ठीक है, अदर एयर पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करके ग्राउंड लेवल ओजोन भी बना लेता है। अब देखो अपने पास दो ओजोन होती है, एक तो O3 नीचे, एक O3 ऊपर। ऊपर वाली जो ओजोन हमारे कौन से स्फीयर में है पहले तो वो बताइए, ठीक है, आपके लिए सवाल है ये। और जो नीचे वाली हमारी ओजोन है वो आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है, तो वो भी पॉल्यूटेंट है, कार्सिनोजेनिक है। अगर आप रिफ्यूलिंग ऑफ व्हीकल करते हैं, ठीक है, वेपराइजेशन ऑफ द पेट्रोल इससे भी निकलता है, टोबैको स्मोक से निकलता है, ग्लू, पेंट, फर्नीचर वैक्स, डिटर्जेंट, इनसे भी निकलता है, ठीक है, एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ सिगरेट ऑल्सो। तो इनमें सारे चीजों में ये बेंजीन रहेगा, कार्सिनोजेनिक आपका है ही,
एंड क्लासिफाइड बाय इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर एज कार्सिनोजेनिक ऑन ह्यूमन. वुड स्मोक बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ ये इंक्लूडिंग बेंजीन इथीन इथाइलिन, यानी आप जो वुड करते हैं उससे भी. फिर देखिए वर्निश्ड वुडन फर्नीचर, नए कारपेट, इनसे आपका बेंजीन इथाइलिन ग्लाइकोल फॉर्मल्डिहाइड निकलते हैं. पॉलीयूरेथेन एक पॉलीमर है आपका, ऑर्गेनिक यूनिट ज्वाइंट बाय कार्बोमेट लिंक्ड बाय कंबाइनिंग, जैसे आइसोसाइनाइट पॉलीलोल, कोई नहीं इतना अपन नहीं देखेंगे. ये भी आपका देखिए इंसुलेशन फर्नीचर्स वगैरह, क्लोथिंग वगैरह, एडहेसिव, मेडिकल प्लांट्स, इलेक्ट्रॉनिक सरफेस कोटिंग, इसमें काम में लिया जाता है पॉलीयूरेथेन. इसको देख लो, चलो इसको नोट कर लेना. ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, सब लोगों ने आंसर कर दिया. हाँ, नीचे वाले में बैड और ऊपर वाले में गुड, ठीक है. बस थोड़ा थोड़ा ये चलेगा, चाय की आवश्यकता है. फिर देखिए पॉलीयूथायरिन फॉर्म्स जो हैं, दे बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस डेंस स्मोक, टॉक्सिक गैसेस, इंटेंस हीट, कार्बन मोनोऑक्साइड मोस्ट कॉमन, बट स्मोक कंटेन्स, जैसे यहां से अपन निकलते हैं तो बेंजीन, टोलिन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, साइनाइड वगैरह भी. ओके, ये हमारा कुछ कुछ इन्होंने बता रखा है. ऑटोमोबाइल में भी आपका देखिए कौन कौन से हैं, पर्टिकुलेट मैटर, क्या क्या निकलेंगे हमारे वीओसी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वी नो अबाउट इट, ग्रीन हाउस गैसेस तो हमें पता ही है. सिगरेट में 10 टाइम ग्रेटर देन डीजल कार एग्जॉस्ट, एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं जैसे टोबैको स्मोक में जितने होते हैं ज्यादा ही होते हैं. ठीक है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका पोलोनियम 210, ये भी आपका टोबैको स्मोक में होता है, अगेन कार्सिनोजेनिक. ठीक है, इसके अलावा देखिए बहुत सारे इसमें बता रखे हैं, जैसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोसामाइन, एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको बताइए, एंड बेंजीन. बेंजीन यहाँ भी निकल रहा है तो हमें ये सब याद रखने हैं. द स्मोक प्रोड्यूस फ्रॉम वुड बर्निंग, उसमें भी आपका बेंजीन रहेगा. So the answer is, correct answer is D. ठीक है, अब देखते हैं second. ये सवाल आया हुआ था 2020 में. देखिए what are the advantage of fertigation? Fertigation क्या होता है, देखो fertigation fertilizer plus irrigation. एक चीज और बता देता हूं, इसको पहले मत करना MCQs को, कहीं बुक पहले करके बैठो और फिर क्लास में भी कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करना. ठीक है, क्लास का भी फायदा उठाना है और आपकी प्रिपरेशन का भी पता लगाना है, दैट इज द ओनली मोटिव. ठीक है, अदरवाइज दोनों ही सोल्व नहीं हो पाएंगे. नंबर वन देखिए, अब जैसे यूपीएससी में तो हमारे ऐसे आते हैं, पहला देखो फर्टिगेशन का क्या क्या काम होता है. फर्टिलाइजर्स को आप इरिगेशन के साथ अगर यूज करेंगे तो क्या ये हमारा एल्कलिनिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल कंट्रोलिंग, हम अगर ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज करें, ठीक है, तो वो एल्कलाइन सोयल को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? ठीक है भाई, कर सकते हैं. देखिए एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल. अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा झोल आएगा, ठीक है, देखते हैं. थर्ड देखिए, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यस. रिडक्शन ऑफ द लीचिंग ऑफ द केमिकल न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल, यस. जो नीचे हमारे चले जाएंगे, देखो 1, 3, 4 तो ठीक है, यहाँ पे ये आपसे जो जानना चाहता है वो रॉक फॉस्फेट का जानना चाहता है, जो कि सॉलिड आपका रहता है, सोलेबिलिटी के कारण हम उसको ऐसे छिड़कते से हैं, ठीक है, तो वैसे अपन यूज नहीं कर पाते. तो हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका आंसर बताओ पहले. तो 1, 2, 3, 4 अब इनमें से क्या है आंसर, थोड़ा सा और अच्छे से दिख जाएगा. वन थ्री फोर, ठीक है, गुड. तो दो हमारा हट जाएगा और 1, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर. अब देखिए एक्सप्लेनेशन, टेक्निक ऑफ फर्टिगेशन मतलब आप फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं विद इरिगेटेड वाटर बाय ड्रिप सिस्टम, तो ड्रिप सिस्टम में यही सारी चीजें होंगी हमारी, ठीक है. तो ये देखिए फर्टिलाइजर सोल्यूशन गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इवनली थ्रू इरिगेशन, क्योंकि आप पॉइंट पॉइंट टिक टिक टिप टिप, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, टिप सिंचाई, ठीक है, तो टिप सिंचाई है ये हमारी.
इसमें ये हमारा रहता है, देखिए बोथ लिक्विड फर्टिलाइजर एज वेल एज वाटर सोल्यूबल, दैट इज द मेन कंसेप्ट वो यहाँ पे आपसे पूछना चाहता है। आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, आपके एडवांटेज क्या रहेंगे, न्यूट्रिएंट वाटर आपको सीधा आप रूट जोन में दे सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, आपने सप्लाई किया इवनली तो आपकी पॉसिबिलिटी फॉर गेटिंग 20-25% ईल्ड भी ज़्यादा मिलेगी। हो सकता है एक ऑप्शन ये भी दे देता कि ईल्ड ज़्यादा मिलेगी, तो ऑब्वियसली ये हम आराम से उससे हम कर सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। ओके देखिए एफिशिएंसी रेंजेस बिटवीन 80% टू 90% सेव्स 25% ऑफ द न्यूट्रिएंट यस कंजम्पशन लेस। फर्टिलाइजर यूज्ड इन फर्टिगेशन आर हाईली वाटर सोल्यूबल, यूरिया पोटैश ठीक है और पॉलीफीड एनपीके ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम मल्टी के मोनो अमोनियम फॉस्फेट फॉस्फोरस सल्फेट, फिर देखिए आयरन मैग्नीशियम जिंक कॉबर बोरोन मोलिब्डेनम ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बता दो अगर ये सारे आ ही रहे हैं तो मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के वो क्या है, मैंने क्लास में भी बताया हुआ है, बताओ। पर्ड ड्रॉप मोर क्रॉप यस एंड ट्रिकल इरिगेशन ट्रिकल यस कर लो ठीक है। मेजर न्यूट्रिएंट्स कमेंट करें बताइए। देखो फिर फॉस्फोरिक एसिड जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है ये तो आप यूज कर सकते हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ सुपर फॉस्फोरस, बट द पॉइंट वाज रॉक फॉस्फेट इज नॉट एट ऑल सॉल्युबल सो इट इज नॉट सूट, यही अपन कर रहे हैं। इट इज इनकॉर्पोरेटेड विद इन द इरिगेशन बाय द ड्रिप सिस्टम एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बाकी सब ठीक है ठीक है, इतना बढ़ा देगा उतना बढ़ा देगा, अब अपन ने ऊपर देख लिया तो हम इसको आराम से समझ पा रहे हैं। ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये आप देख चुके होंगे ऑलरेडी। देखिए ये है थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन जो यूपीएससी अपना मतलब यूपीएससी का जो पैटर्न होता है ठीक है, यूपीएससी फेवरेट अगेन यूएफओ। देखो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्रीवियस ईयर पेपर करने का फायदा क्या हुआ है, अभी जो दो बचे हुए हैं उनको आई एम गोइंग टू स्केड्यूल एज सून एज पॉसिबल, थोड़ा सा बैच के चक्कर में अपने को करना पड़ गया क्योंकि अब एचएस का एकदम से कैंसिल हो गया, हम तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे ठीक है, तो अपन उसको वो करते हैं। रुचि गुड मॉर्निंग, ओके नो प्रॉब्लम सुचि, अच्छा बट गोइंग टू वॉच समहाउ प्लीज ट्राई टू, कोई नहीं अगर वैसा होता है तो क्या समस्या आ गई है, अगर डॉक्टर को दिखा लिया तो ठीक है, अगर मुझसे कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी आई कैन हेल्प इफ पॉसिबल ठीक है। देखो हाँ पहली चीज अब ये देखो इसमें हमें समझना है, यूपीएससी ऐसे आपको 2 से 3 सवाल देगा जिसमें वो आपकी इस टाइप की कॉमन सेंस जरूर जज करना चाहेगा जो मतलब हो सकता है कि सिंपल तरीके से, जैसे मान लीजिए इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क हमने क्या देखा था भाई राजस्थान में हमारा है ठीक है। हाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नंबर 1 इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, हो सकता है हम उतना डिटेल में ना पढ़ें इस चीज को तो हम इसको अभी रहने देते हैं कि हमें नहीं पता। नंबर 2 देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, अब ऑप्शन अगर आप देखेंगे 1 2 1 2 1 2 ऑल ऑफ दीज अबव तो एक चीज समझ में आ रही है, या तो आंसर है ऑल या आंसर है हमारा आपका एक एलिमिनेट करके, और इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ जीआईबी, देखो राजस्थान में है नेशनल पार्क है ग्रेट इंडियन इट इज वन ऑफ द आपका जीआईबी हो जाएगा ऑब्वियसली यस ठीक है, तो नो को हम कर दे हैं काट देते हैं। अब यहां पे आता है यूपीएससी के पैटर्न को पकड़ना, सिंपल सा क्वेश्चन था बट मे बी बहुत सारे इसको भी गलत करके आए हो ठीक है, तो अपने को बस यही करना था। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आंसर आपका सिंपली हो जाएगा 1 and 3 ये आप समझ ही गए। देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क आपका जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है एंड इकोसिस्टम कौन सा है हमारा थार का, सैंड ड्यून्स होते हैं 20% ऑफ द पार्क में और हमारा यहाँ पे क्या मिलता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड जीआईबी। देखिए अब एक चीज और बता देता हूँ, क्या इन एक्सप्लेनेशन में हमें इसके अलावा और चीजें देखने की आवश्यकता है, तो माय आंसर वुड बी नो, उतना कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऑलरेडी इन्होंने बहुत अच्छे से ये बना के दे रखे, इसके आसपास का अपन देख लेंगे ठीक है कि भाई जहां पे इन्होंने बोल्ड करके दे रखा है उसके आसपास का अपन चेक कर लेंगे, जैसे जीआईबी इट इज अ बस्टर्ड फाउंड इन इंडियन कॉन्टिनेंट ठीक है, मीटर टॉल है लॉन्ग लेग है, चलो चलो कोई नहीं हो जाएगा। अब हमें क्या दिखा, हाँ प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ भी है, वेजिटेशन यहाँ पे देखिए सैंड ड्यून्स है, थार डेजर्ट है,
वेजिटेशन बहुत ही कम है, जैसे सीवान ग्रास। एक अब एक और इन्फॉर्मेशन याद करेंगे, सीवान ग्रास, ठीक है। एंड देखिए, आर्क शर्ब्स कैन बी सीन्स, यस। द लैंडस्केप हैज क्रैगी रूक्स और ये सब वो सब। द नेशनल पार्क कैन हैव ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है। देखो ये बात अलग है कि आप अगर वहां से, क्योंकि देखो कई बार बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओवरलैप करती हैं, आपने बाहर से जाना मना कर रखा है, बट अगर मान लो कुछ ट्राइब्स पहले से रह रही हैं, तो क्या आप उनको भी अपने घर से निकालोगे? नो, ठीक है, बाहर से हम अलाउ नहीं करते। तो देखिए, इट टेक्स इनटू अकाउंट नीड ऑफ द इंडिजीनियस एंड द लोकल कम्युनिटी इन द रिसोर्सेज, क्योंकि उनको चाहिए। और दो दो डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई नेशनल पार्क है, वहां से ह्यूमन हैबिटेशन निकालना है, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। नहीं, गलत नहीं होते नरेन, इसमें देखो मेन क्या होता है, हम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, पोचिंग, पोचिंग में हम किसकी हेल्प लेते हैं? लोकल कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि देखो आसपास के जो लोग होते हैं वो हेल्प करते हैं, उनमें से ज्यादातर बहुत इस सब चीजों को लेके बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, एंड दे आर लाइक कि बचा के रखना है, ठीक है, हो सकता है तो ये भी काम रहता है, तो वहां पे वो कंजर्वेशन में ही हेल्प करेंगे। लोकल कम्युनिटी वो आपका ये करते हैं, IUCN कैटेगरी 2, एरिया ऑफ टिपिकली लार्ज एंड कंजर्व फंक्शनिंग इकोसिस्टम, ये सब हो, ठीक है। टूरिज्म, तो बाहर से ऐसा नहीं है कि आप, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी आपको परमिशन लेके आना पड़ता है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रख। अब ये देखिए, अपन ने वैसे तो टाइगर रिजर्व सारे कर लिए थे, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मैंने आपको बताया था। अगेन आपसे ऐसा ही सवाल आ रहा है कि देखो फैक्चुअल सवाल है, सिंगल लाइनर है, आप सोचोगे वही अगेन, क्या यूपीएससी में ऐसे आते हैं? डेफिनेटली आते हैं, 20 के आसपास सवाल ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, जो ऐसे डायरेक्टली आपके हो रहे होंगे सारे सब्जेक्ट्स के मिला के, ठीक है। कुछ मिलेंगे दो ऑप्शन वाले, कुछ मिलेंगे तीन वाले, कुछ मिलेंगे चार वाले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। ये सबसे इजी सवाल है, लार्जेस्ट कौन सा है? नागार्जुन, नागार्जुन सीसा। चलो अब इसमें देखते हैं अपन, इट इज द लार्जेस्ट इन इंडिया स्प्रेड ओवर 5 डिस्ट्रिक्ट्स। देखो एक्सप्लेनेशन मैं मेरी तरफ से अपने आप बताऊंगा, ठीक है, उसी को ही अपन पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें मैं एक्सप्लेनेशन खोल के रख लूंगा, उसको बताता रहूंगा साइड में, ठीक है, सो यू डोंट हैव टू रीड ऑन योर ओन, अपने आप पे मत करना, वहां पे टाइम खराब नहीं करना, दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई वांट, ठीक है। अगर अपन बैठ रहे हैं तो अपन अपने हिसाब से 10 दिन में आराम आराम से करें, आपके पास पूरा दिन है, आप जो रिवाइज करना है रिवाइज करो, ठीक है, सेम गोज विद इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, इसमें अब और कुछ नहीं करना, अपन आराम से सब कुछ कर लेंगे, अपने जो बचा हुआ है उसके अलावा करना, ये रिपीट में मत करना बस, ठीक है, इसको वहां भी पढ़ रहे हैं यहाँ भी पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये अपना हो गया, ये कहाँ कहाँ है, 5 डिस्ट्रिक्ट, कुरनूल, प्रकाशम, गुंटूर, नालागोंडा, और ये अपने को पांचों याद नहीं करनी। देखो कोरबेट जो है फर्स्ट था, फर्स्ट अपने को पता होना चाहिए, ये अपन ने देख लिया, ठीक है। और ये हमारा और कुछ है क्या? नहीं। देखिए सुंदरबन आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, ये भी आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट में से ही आता है, ठीक है। हाँ बट यहाँ पे देखिए सवाल क्या है कि अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, लार्जेस्ट एरिया अंडर टाइगर रिजर्व क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, तो इसमें अपने को ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट कम अंडर ये टाइगर रिजर्व। हाँ तो ये आपका हो जाएगा, अब हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना पे ये है, हुगली रिवर इंडिया आपके वेस्ट बंगाल में आपके चलती है, फोर प्रोटेक्टेड एरिया जो सुंदरबन में है, एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर सुंदरबन नेशनल पार्क, मैंग्रोव लार्जेस्ट है बट इसमें क्या आएंगे, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन वेस्ट, सुंदरबन साउथ, सुंदरबन ईस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो क्या इतना हमें पता था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा पता चल गया। अब देखिए सुंदरबन जो है आपका यहाँ पे देखिए एंडेंजर्ड, यूनेस्को की रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम में एंडेंजर्ड है। फिर देखिए रणथंबोर के बारे में थोड़ा इन्होंने बताया, राजस्थान में है आपका, नदर इंडिया बानस रिवर पे है, एंड साउथ ऑफ चंबल, ठीक है, तो बानस के नॉर्थ में, साउथ ऑफ चंबल, चंबल के इधर, तो ये हमारा है रणथंबोर। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट आर द कोर एरिया जो आपके आइडेंटिफाई करे जाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है, जिसमें आपको अलाउ नहीं किया जाता, एंड सच एरिया रिक्वायर्ड टू बी कैप्ट इन वायलेट फॉर द पर्पज ऑफ टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द फॉरेस्ट डवेलर। इनको नोटिफाई कौन करता है? नंबर वन स्टेट गवर्नमेंट। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि
इनको नोटिफाई कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। जैसा हमने देखा था कि अपन क्या चेक करते थे, चलने में भी आज थोड़ी सी क्या हो रही है, चलो देखेंगे इसको। जैसे मान लो नेशनल पार्क, इनकी बाउंड्री कौन डिसाइड करता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ये सब, वो सब, ठीक है। तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें अपने को पता होना चाहिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती हैं। जहां पे भी ऐसा डिफरेंशिएशन आता है स्टेट गवर्नमेंट और इसका, इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है, ओके। प्रदीप एंड अजय, गुड मॉर्निंग यार। चलो देखो, इनवायलेटिव इज अ जनरल टर्म, मतलब नो ह्यूमन सेटलमेंट एंड यूजेस। अब देखिए, सेक्शन 38(v)(5) ऑफ दिस 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक तो अपने को पता होना चाहिए 1972। 1971 में हमारा क्या आया था बताइए, कि भाई नो शेड्यूल्ड ट्राइब फॉरेस्ट ड्वेलर्स शैल बी रीसेटल्ड और हैव देयर राइट एडवर्सली अफेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग इनवायलेटिव फॉर द टाइगर कंजर्वेशन अनलेस द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन डिटर्मिनेशन दिस इज कंप्लीट, ठीक है। मतलब उनका जो ये आपने देख लिया, तो मतलब आप उसको उनके डिसएडवांटेज के लिए बाहर नहीं निकाल सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिफाइन करे जाते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ऑन द अदर हैंड, ठीक है। दो चीजें हैं, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑन द अदर हैंड आर डिफाइंड ओनली इन फॉरेस्ट राइट एक्ट दिस 2006, तो ये इधर भी याद रखेंगे। दीज आर मेंट टू द एरियाज ऑफ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड आर रिक्वायर्ड टू कैप्ट एज इनवायलेटिव फॉर द पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यहाँ पे भी नोटिफिकेशन डन बाय स्टेट इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट कमेटी and can only be done on the consent of Gram Sabha, ये चीज आपको याद रख, very very important, ठीक है। Ramsar site, absolutely right, ठीक है, very good। अब देखो ये अपना हो गया, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, if a particular plant species is under schedule 6 of wildlife protection act, very easy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपका क्या रहेगा, एक license is required to cultivate that plant, ओके। सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन एनी सर्कमस्टांस, इसको तो मैं बिल्कुल ही वो कर दूंगा, एनी सर्कमस्टांसिस कैन नॉट बी, ये यूपीएससी के फेवरेट लाइंस हैं, पहली बात तो ये देख लेना, तो ये हो जाएगा। इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, नहीं, हमने ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा कि यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड को रखते हैं, नहीं। सच ए प्लांट इज इन्वेसिव एंड हार्मफुल टू इकोसिस्टम, अगर ऐसा है तो आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उसको क्यों डाल रहे हो, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। बच्चा ये इसमें जनरली हमारा वो रहता है, उसके लिए लाइसेंस आपको चाहिए होता है, मतलब आप खुद से नहीं कर सकते, ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वो प्रोटेक्शन में है। द पॉइंट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, आप इसे क्या निकालेंगे, वो हमारा प्रोटेक्शन में है, ठीक है, प्रोटेक्शन में है। अब इसमें शेड्यूल 1-5 में किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप, इसमें तो प्लांट्स प्रोटेक्टेड है, 1-5 में कौन प्रोटेक्टेड है ये बताओ मेरे को, फ्लोरा फौना का होता है ना, तो यहाँ पे फौना प्रोटेक्टेड होता है, ऐसा ही कुछ है 1-5 एंड 5-6, 6 इज फॉर प्लांट, ऐसा कुछ है। देखिए यहाँ पे देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो आपका प्लांट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे शेड्यूल आपने बना रखे हैं ताकि हंटिंग हार्वेस्टिंग के लिए अपन कर सकें। देखिए 6 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 and 2 प्रोवाइड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। देखिए, ऑफेंसेस अंडर दीज आर हाईली ऑफ हाई पेनल्टी, Schedule 3 and 4 are also protected, but the penalties are lower. Animal under Schedule 6 are legally considered vermin and may be hunted. ठीक है? अब ये तो सारी की सारी चीजें हो गई। The specified endemic plant in Schedule 6 are prohibited from cultivation and plantation generally. ठीक है? Without license is prohibited. तो आपको license कहाँ से मिलेगा? ये. ठीक है? ये हमारा हो जाएगा। देखिए, नो, इसमें क्या लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल कल्टीवेट अ स्पेसिफाइड प्लांट एक्सेप्ट अंडर इन अकॉर्डेंस विद द लाइसेंस ग्रांटेड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अगेन स्टेट गवर्नमेंट। तो ज्यादातर चीजें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आ रही है। एंड द प्लांट प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 6 आर दे, जैसे विडोमस साइकेड, ब्लू वांडा, कुथ, लेडी स्लीपर, पिचर प्लांट, रेड वांडा, ये मेडिसिनल से प्लांट होते हैं, काम के होते हैं बहुत ही से। समझ में आ गया? यस। चलिए, फोना एंड फ्लोरा शेड्यूल 6। अब देखिए, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जीरो टीलेज, टीलेज अपन उसके वो वेड वगैरह निकालते हैं, अगर आपने किया ही नहीं
तो उसके एडवांटेज क्या है? नंबर वन, सॉरी जीरो टिलेज, कुछ बचा ही नहीं, ऐसा रहेगा ना कुछ, क्या है? सोइंग ऑफ द व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, ठीक है, विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ द राइस सैपलिंग्स, डायरेक्ट प्लांटेशन ऑफ द पैडी इज पॉसिबल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉयल इज पॉसिबल, इज पॉसिबल, इज पॉसिबल अगेन, ठीक है, इसमें क्या आंसर रहेगा? यस, पिक्चर प्लांट इंसेक्टिवोरस, वो अपने नाइट्रोजन को करने के लिए करता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, यहां पे आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, देखो अब यहां पे यही आ रहा है, ठीक है, जो अपन पहले बात कर रहे थे, नथिंग इज डन, ओके, एज मैकेनिकल, तो यहां पे अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, नेचुरल सब कुछ चल रहा है, इसको अपन दोनों ही बोलते हैं नो टिल या फिर जीरो टिल और डायरेक्ट टिलिंग, ड्रिलिंग, ठीक है, ये भी नाम याद रखेंगे, डायरेक्ट ड्रिलिंग मान लो नाम से आ जाए और आपको पता ही नहीं है, ये अपना रहेगा, ठीक है, अब देखो इसमें, इट इज एन एग्रीकल्चर टेक्निक फॉर ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट एजिटेटिंग और डिस्टर्बिंग द सोयल थ्रू टिलेज, नो टिल फार्मिंग डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सोयल इरोजन, क्योंकि वो सोयल को वो करके रखता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है, नो टिलेज इज ऑल्सो कॉल्ड सोड सीडिंग इन कंडीशन जहां पे क्रॉप्स आर सोन इनटू सोड प्रोड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड और ऑन कवर क्रॉप, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है, सोड और सोल हमारा रहता है, ठीक है, सोड और सोल, सोडियम ज्यादा होता है इसमें, ये बस थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, एंड सोइंग थ्रू रेजिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप इज रेफर्ड एज डायरेक्ट सीडिंग, मतलब उसका रेजिड्यू है तो अपन कर रहे हैं, तो इट नॉट ओनली रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, क्योंकि आपको कल्टीवेटर वगैरह नहीं मारना पड़ रहा, वो नहीं करना पड़ रहा है, तो आपके कॉस्ट कम हो जाएगा, सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है, क्रॉप ड्यूरेशन भी कम हो जाता है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, वीड इफेक्ट भी कम हो जाता है, ठीक है, एंड वीड इफेक्ट विच इज बेटर देन टिलेज, ये है द टेक्निक ऑफ डायरेक्ट सीड राइस जो आप लगाते हैं, ठीक है, यूज फॉर राइस आर शोन डायरेक्टली विदाउट रेजिंग देम इन नर्सरी, ये भी आप कर सकते हैं, नोडल फार्मिंग हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज सोयल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिक मैटर आपके पास पहले से रहेगा, छोटे छोटे से वो होते हैं अपने वहां पे, ठीक है, तो अपन उसमें वो नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, ठीक है, वो अच्छा रहता है, ऐसे सोयल भी कंजर्व, बिल्कुल, वाटर रिटेंशन, सोयल कंजर्वेशन, सरसों के फीड में डायरेक्ट कॉटन ग्रो कर रहे हैं, यस, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, तो ये रहेगा, एंड देखिए टिलेज ऑल्सो लोअर्स द एल्बिडो ऑफ द क्रॉप लैंड एंड देर इज द पोटेंशियल ऑफ ग्लोबल डिक्रीज इन द टेम्परेचर एज अ रिजल्ट ऑफ, ये रहेगा अपना, ठीक है, इंक्रीज एल्बिडो इन नो टिलेज क्रॉप लैंड, ज्यादा एल्बिडो है ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नो टिल फार्मिंग रिड्यूसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन बाय 40-70%, ठीक है, तो अगर आप नो टिलेज करेंगे एल्बिडो बढ़ेगा, जो प्लांट वगैरह है वो आपका रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, अदरवाइज अगर आप टिलेज करके बिल्कुल वो बना देते हो तो एल्बिडो कम हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग में इफेक्ट डालता है, ठीक है, आंसर इज डी। अब देखो ये, अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल, मतलब हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़नी पड़ती है ना चीजें, ठीक है, तो हमने वैसे तो करंट अफेयर में मैंने आपको डिटेल में कराया है, कुछ कुछ वीडियोस अभी एक दो और मैं डालूंगा, वो भी अपने को सारे करने हैं, ठीक है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, कसावा, डैमेज्ड वीट ग्रेन, ग्राउंडनट सीड्स, हॉर्स ग्राम, रोटन पोटैटो, शुगर बीट, ठीक है, अब देखिए सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7, पहले तो इसमें से देख लोगे कि भाई कौन कौन से आपके हैं, ठीक है, क्या हम किसी को हटा सकते हैं, देखो ग्राउंडनट सीड एंड हॉर्स ग्राम, ठीक है, तो ये अपन यूज नहीं करते, तो अपन इसको हटा दो, हॉर्स ग्राम को ही हटा दो, ठीक है,
मतलब वो तो काम की चीजें हैं, हम डैमेज वाला ले लेते हैं, रोटन पोटैटो 1 और 5 तो मैं ले ही लूंगा। मतलब आपको कंफ्यूजन किस में रहेगा कि भाई कसावा मान लो समझ नहीं आ रहा इसको लेना है नहीं लेना, शुगर बीट समझ नहीं आ रहा नहीं लेना है, शुगर बीट को अपन लेते हैं ठीक है, तो वो अपना रहेगा, इसको उगाया जाता है इसके लिए बायोफ्यूल के लिए, तो ये अपना फूड वाले कैटेगरी 1 में आ जाएगा। अब देखिए 5 और 2, 2 और 5 आपको देखना है कहाँ कहाँ मिलेगा। वैसे तो 2 और 5 यहाँ भी है, 2 और 5 यहाँ भी है, और 2 5 ऑल ऑफ द अबव में भी है ठीक है। बट देखिए 3 और 4 में आपको देखो आप देख रहे हो 3 और 4 यहाँ दिया हुआ है, 3 और 4 यहाँ दिया हुआ है, और 3 और 4 ऑल ऑफ द अबव यहाँ भी है। अगर आप एक को भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं 3 और 4 में से, आपका आंसर आ जाएगा ए। ओके इसको समझना है, अब हम समझते हैं, कोई नहीं अभी आप समझने के हिसाब से देखें, ये थोड़े से कैटेगरी वाइज रहेंगे ठीक है डिफिकल्ट में। अब देखिए बायोफ्यूल आर डिराइव्ड फ्रॉम रिन्यूएबल बायोमास रिसोर्सेज एंड द वेस्ट सच एज प्लास्टिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड वेस्ट गैसेस एंड देयर फॉर सीक टू प्रोवाइड हायर डिग्री ऑफ नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी एनवायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल एंड बिजनेस। गोल ऑफ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 वो क्या था कि भाई आपका बायोफ्यूल अवेलेबिलिटी हम बढ़ाएं, ब्लेंडिंग करें, इथेनॉल ब्लेंडिंग ठीक है अराउंड 2% आपकी चल रही है पेट्रोल में, एंड बायोडीजल ब्लेंडिंग डीजल में लेस देन 0.1% है। टारगेट इन्होंने रखा 20% इन द पेट्रोल, 5% इन बायोडीजल बाय 2030। तो स्कोप ऑफ पॉलिसी की भाई कैटेगरीज ऑफ द बायोफ्यूल, तो नंबर 1 जो हमारा बायोफ्यूल है प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास सच एज शुगर कंटेनिंग, कौन कौन से शुगर का ज्यादा होता है इसीलिए शुगर केन, शुगर बीट, स्वीट सोरगम, स्टार्च कंटेनिंग, स्टार्च में क्या आएगा कॉर्न, कसावा, कॉर्न को लेके डिबेट चलती है फूड है ठीक है, रोटन पोटैटो, एल्गी, सेलुलोजिक मटेरियल जैसे बैगेज, फूड वेस्ट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और ये सब। फिर सेकंड जैसे बायो डीजल, ये हम प्रोड्यूस करते हैं, देखो बायो इथेनॉल का अलग है, बायो डीजल में क्या क्या रहेगा हमारे पास मिथाइल एंड इथाइल एस्टर ऑफ फैटी एसिड, तो हम कहाँ से बनाते हैं नॉन एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स, एसिडिक ऑयल, कुकिंग ऑयल और एनिमल फैट एंड बायो ऑयल ठीक है, तो इसको अपन रखेंगे। एडवांस बायोफ्यूल्स आर जैसे हम जो अपने लिग्नो सेलुलोजिक फीड स्टॉक से आप प्रोड्यूस करते हो, नॉन फूड वाले में अपने आ जाते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट रेजिड्यू जैसे राइस एंड द व्हीट स्ट्रॉ, कॉर्न कॉब्स, टोवर, बैगेज, वुडी बायोमास यानी नॉन फूड, ये आपके सेकंड में आते हैं, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एल्गी ठीक है। फिर हमारे क्या कह रहा है देखिए, ड्रॉप इन फ्यूल क्या होता है, एनी लिक्विड फ्यूल जो आपका प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, वेस्ट सच एज म्युनिसिपल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडियन स्टैंडर्ड फॉर MSHD वट एवर जेट फ्यूल को फॉर्म करता है फॉर इट सब्सिक्वेंट यूटिलाइजेशन इन द व्हीकल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इन द इंजन ठीक है, यानी ड्रॉप इन आपको समझ में आ रहा है, इंजन में यूं का यूं अगर आप ड्रॉप इन कर पा रहे हैं दैट इज ड्रॉप इन। बायो CNG प्योरिफाइड फॉर्म है आपका बायोगैस का ठीक है, हुज कंपोजिशन एंड एनर्जी पोटेंशियल इज सिमिलर टू जो हमारा CNG रहेगा ठीक है। ठीक है अच्छा अब ये तो आ ही गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बता दो एक जल्दी से, एक दो जो भी बताओ, AS अनु शेरावत ठीक, अनु गुड मॉर्निंग, राम राम, एंड आई एम सॉरी इफ आई से नेम रॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो गए हैं जो विदाउट नेम चलते हैं, याद कर कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट आई थिंक आई एम राइट ठीक है। CNG नेचुरली इज मीथेन ठीक है, हमने ऐसे ही याद किया था, नेचुरल इज मीथेन, LPG पी से क्या था प्रोपेन एंड ब्यूटेन ठीक है, ये हमने ऐसे याद किया था, ये हमारा हो जाता है, ये दो ही अपने चलते हैं ठीक है। अगले में आ जाओ, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, सोशल कॉस्ट ठीक है, नंबर 1 ये क्या है आपका क्या कह रहा है, इट इज अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ व्हाट, मतलब कार्बन की सोशल कॉस्ट मॉनेटरी वैल्यू, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर,
रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू द सिटीजन बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ द फ्यूल एफर्ट्स पुट बाय क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडेप्ट क्या है कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द फूड इंडिविजुअल पर्सन क्लाइमेट रिफ्यूजी रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल नो. अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा पहली बार सुन रहे हो तो कॉमन सेंस यूज करनी है. यूपीएससी इज जस्ट लुकिंग फॉर मोर कॉमन सेंसिकल पीपल एंड एजुकेटेड जो नॉर्मल बेसिस पे आपका अखबार पढ़ रहे हैं बस. ठीक है तो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन यार इस टाइप से रहेगा कि कुछ मॉनिटरी वैल्यू हो लॉन्ग टर्म क्या डैमेज हो रहा है हमें. ठीक है तो यहाँ पे बाय गिवन टन ऑफ कार्बन में थोड़ा सा हो सकता है बट यस बाकी और चीजें इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ठीक है तो देखिए सोशल कॉस्ट इज एन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द इम्पैक्ट कॉज्ड बाय एमिटिंग वन एक्स्ट्रा टन जो आप एमिट करते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंक्लूसिव ऑफ नॉन मार्केट इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ. ठीक है इससे फायदा क्या होता है पॉलिसी मेकर्स वगैरह को थोड़ा सा पॉलिसी डिजाइन करने में हेल्प मिल जाती है. कार्बन फुटप्रिंट क्या रहेगा अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो आप प्रोड्यूस करेंगे प्राइमरली CO2 जो हम एटमोसफेयर में रिलीज करते हैं इनको आप मेजर करते हैं. ठीक है एक्सप्रेस्ड एज CO2 इक्विवेलेंट. इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक हमारा मेथड है जो आपका प्रमोट किया है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ने. ये अपना बताते हैं कि भाई इतना फुटप्रिंट हो गया इतना फुटप्रिंट हो गया. ठीक है तो इस तरीके से बताता है ये मेजर करता है ह्यूमन डिमांड ऑन नेचुरल कैपिटल दैट इज द क्वांटिटी ऑफ नेचर इट टेक्स टू सपोर्ट पीपल और एंड इकोनॉमी. ठीक है इट ट्रैक्स दिस डिमांड थ्रू इकोलॉजिकल अकाउंटिंग सिस्टम. इट कॉन्ट्रास्ट्स विद द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया. ठीक है पीपल यूज फॉर देयर कंजम्पशन विद बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया अवेलेबल विद इन अ रीजन ऑफ द वर्ल्ड. इन शॉर्ट इट इज अ मेजर ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. ठीक है प्रोडक्टिव तो क्या है प्रोडक्टिविटी को दिखाएगा इम्पैक्ट क्या है इम्पैक्ट को दिखाएगा. तो यानी फुटप्रिंट एंड बायो कैपेसिटी कैन बी कंपेयर्ड एट इंडिविजुअल लेवल रीजनल लेवल नेशनल लेवल एंड ग्लोबल स्केल. ठीक है तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम. और ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एस्टिमेट कर रहा है कि एज ऑफ 2014 हम 1.7 टाइम्स चल रहे हैं. ठीक है इसी कंटेक्स में हमारा क्या आता है कौन सा डे बनाते हो बताओ उस डे का नाम बताओ जिस दिन हम अपना एक साल का जो अपना कार्बन यूजेस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं कार्बन फुटप्रिंट दिखा देते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है बताइए. ठीक है ये कह रहे हैं कि ह्यूमन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट corresponds to 1.7 planet Earth, यानी जिस हिसाब से चल रहा है हमें 1.7 अर्थ चाहिएंगे. ठीक है उस डे का नाम बताओ जिस दिन हम वो बनाते हैं ना आप उससे आगे निकल गए जितना एक साल में आपको यूज करना था. क्वेश्चन नंबर 9 With reference to the pulse production in India, consider the following statement. Number 1, black gram can be cultivated as both kharif and rabi crop. ठीक है? ये चीज़ तो ठीक है. Black gram दोनों में ही आता है. Green gram alone accounts for nearly half of the pulses production. No. In the last 3 decades, while the production of the kharif pulses has increased, the production of the rabi pulses has decreased. In the last 3 decades, ठीक है? 3 decade एक बहुत बड़ी statement हो जाती है. बाकी ये देखो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल हो गया. ठीक है इसके बारे में अपने को नहीं पता हो भी सकता है तो इसको लर्न कर लेंगे. ठीक है इसका आंसर है वैसे 9 का ए 1 ओनली. ठीक है तो ये तो वैसे गलत हो जाएगा 2 भी गलत. यस अर्थ शूट बिल्कुल सही. ठीक है भारती ने सही आंसर किया है अर्थ शूट है. एक्सप्लेनेशन देखिए खरीफ क्रॉप्स मॉनसून क्रॉप ऑटम क्रॉप्स होती है जो कल्टीवेट एंड हार्वेस्ट ड्यूरिंग हमारा खरीफ के सीजन में होती है. इसमें राइस अपना मेज कॉटन ज़्यादातर होती है. खरीफ सीरियल में क्या आता है जवार मिलेट मेज राइस सोयाबीन पल्सेस में अरहर उड़द मूंग और ये सब. ठीक है विंटर में करी जाती हैं हार्वेस्ट स्प्रिंग में करी जाती हैं रवि वाले उल्टी होती हैं. फिर देखिए सीरियल एंड पल्सेस बार्ले ग्राम रेप सीड मस्टर्ड और ये सब. जायद वाले कौन सी होती हैं जो बीच में अपन करते हैं. ठीक है मेनली देखिए द पल्सेस आर ग्रोन इन ऑल द 3 सीजन खरीफ रबी एंड जायद. ग्राम इज द मोस्ट डोमिनेंट पल्स
बट ओनली विद अ शेयर ऑफ अराउंड 40% इन द टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, फॉलोड बाय तूर एंड अरहर 15-20% एंड उड़द एंड मूल 8-10%, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो था ग्रीन ग्राम, सारे ग्रामों को मिला के है 40%, सिर्फ ग्रीन ग्राम का नहीं है, ठीक है, बस इतना सा ही है जो आपको समझ में आना चाहिए। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 25% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन, ये पॉइंट याद रखेंगे। कंज्यूमर 27, बट हम इम्पोर्ट भी करते हैं 14%, तो तीनों ही चीजें आपकी हो जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पल्सेज के कॉन्टेक्स्ट में ये याद रखना है, ठीक है। दो द पल्सेज आर ग्रोन इन बोथ, रबी पल्सेज कॉन्ट्रीब्यूट मोर 60%, जो आपने कहा कि थ्री डिकेड में डिक्रीज हो रहा है, नो दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। मध्य प्रदेश आपका नंबर वन रहेगा, महाराष्ट्र राजस्थान, ठीक है, इधर से टॉप फाइव, यूपी कर्नाटक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजीरियस, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 200 डे। देखो ये एनसीईआरटी की एज सच स्टेटमेंट है, 210 दिन, और कुछ इसका आंसर ही नहीं आता, कॉटन फिटते ही, ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज डायरेक्ट लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, तो इसको हम इजी कैटेगरी के ही रखेंगे, तो ये आपका रहेगा। देखो सिंगल लाइनर सवाल बोलते हैं अपन इसको, ठीक है, मल्टीपल बातें दे रखी हैं, बट यस सिंगल लाइनर। 50-100 सेंटीमीटर रहेगा। वेल ड्रेन सोयल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज आइडियली सुटेड फॉर द कल्टिवेशन, विच वन इज दैट, ठीक है, कोट। तो आपका क्रॉप हो जाएगा लॉन्ग, आपका फ्रॉस्टिंग पीरियड है, फ्रॉस्ट पीरियड अलॉट ऑफ हीट, प्लेंटी ऑफ सनलाइट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, शाइन अपने को चाहिए होती है, 21-27 आइडियल टेम्परेचर होता है। फिर देखो जूट कल्टिवेशन, इट रिक्वायर्स टेम्परेचर रेंजिंग मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 70-90 डिग्री आर फेवरेबल फॉर द सक्सेसफुल कल्टिवेशन, ठीक है। शुगर केन इज आपका क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल क्रॉप, इसमें भी आपको 20-26 चाहिए, एवरेज 150 चाहिए, ज़्यादा है। टी के बारे में थोड़ा सा देख लो, ठीक है, कैन हैंडल लाइट स्नो इन द फ्रॉस्ट बट नॉट प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड, हाई ह्यूमिडिटी, हैवी रेनफॉल, 150-250 में आपका चाहिए, सब ट्रॉपिकल है अगेन, यस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। सजिद खान सर, पीडीएफ फॉर बैच, किसकी पीडीएफ फॉर बैच, बैच की पीडीएफ सारे के सारे चैट सेक्शन में है, नोट्स की पीडीएफ भी आपने चैट सेक्शन ऑन किया, एप्लीकेशन पे जाओ, चैट सेक्शन ऑन करो, ठीक है, लेफ्ट में इधर है चैट सेक्शन, चैट सेक्शन को ओपन करते ही सारी गूगल ड्राइव की पीडीएफ। कल मैंने एक सेक्शन क्यों लिया था, कल इवनिंग वाले आप ओरिएंटेशन क्लास में थे साजिद, सिल्वर रिवॉल्यूशन, यस, ठीक है। तो देखो आज क्वेश्चन नंबर 11 आज इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी बाद में करेंगे, 6:30 हो गए हैं, तो बस इतना ही रखेंगे, 35 भी हो गए हैं, ठीक है, आई नो लेट शुरू हुआ है, बट 50 मिनट्स की होगी ये क्लास, तो अभी अपन वाइंड अप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो कंप्लीट तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट हाफ कर लिया है, हाफ देख लेंगे, और फिर थोड़ा शुरुआत में थोड़ा सा रहेगा, बाकी फिर स्पीड अप कर लेंगे, ठीक है, पकड़ लेंगे, डोंट वरी। एनवायरमेंट एमसीक्यू वाली मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा सकता साजिद, ये आपकी बुक है, ठीक है, मैंने बुक बता दी है आपको, एस निरंजन, ओके, एस निरंजन, थर्ड एडिशन, सेकंड एडिशन, कोई सा भी ले लो, आपको जो सुटेबल लगता है, यू हैव टू ऑर्डर द बुक एंड यू हैव टू गेट इट ऑनलाइन, ठीक है, आपको खरीदनी पड़ेगी, ये आपको मिलेगी नहीं, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू शेयर द पीडीएफ, तो आप इसको खरीद लें, मैं पढ़ाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, बट ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। सिल्वर रिवॉल्यूशन दोनों के लिए रहेगा, एग के लिए भी अपन यूज करते हैं, कॉटन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, कॉटन भी वैसा ही है ना, वाइट से, ठीक है। कॉटन वाइट रिवॉल्यूशन नहीं, मतलब वाइट है, इसीलिए इसको सिल्वर रिवॉल्यूशन में भी डाला जाता है, चांदी वाइट कलर की होती है, दोनों ही चलेंगे, ठीक है। अभी अपना आज का सेशन अपन वाइंड अप करते हैं, वी हैव डन 10 questions, बहुत स्लो चल रहा है, मैं भी थोड़ा सा वो था, थोड़ा सा डोंट वरी कर लेंगे, ठीक है,
बाकी देखेंगे अगर वीकेंड में अपने को आवश्यकता होगी तो अपन वीकेंड में भी डालेंगे इनको, वी हैव टू कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है? तो बी रेडी नाउ, अब स्टार्ट हो गया तो कंप्लीट भी होगा ही जल्दी से जल्दी, ओके? इकोनॉमी अपन करेंगे, इकोनॉमी में शाम को मिलते हैं, इस तरीके से तो मुझे लग रहा है इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन हो पाएंगे, लेट अस सी, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, वी विल ट्राई, फास्ट रहेंगे थोड़े से और ओपन करके बैठेंगे, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट रहेगी वही मैं दूंगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, विल मीट एट 1:30 नाउ, 1:30 पे आपकी क्लास रहेगी आर्ट एंड कल्चर की अगेन, ठीक है? ओपन करेंगे, बाकी कल लिंक मैं शेयर कर दूंगा, टिल देन आराम से पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, गुड बाय, टेक केयर।